हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय प्रकाश एगा पपेल। लॉकडाउन की वजह से मैं वीडियोस बना तो नहीं पा रहा, लेकिन एक कमेंट मुझे आया था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं नॉलेज की वीडियोस बना सकता हूँ, और इस पर सबसे पहले कमेंट आया था कर सी के। मुझे नहीं पता ये भाई कौन है, लेकिन इनके कमेंट्स काफ़ी आते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो कभी करूँगा बात आपसे कर सी के। ठीक है, तो इन्होंने टॉयमैन के बारे में पूछा है। टॉयमैन देखो क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना पॉपिंग में, जितने भी हैं कॉन्सेप्ट, तो आपको करना ये है कि बस आपको मतलब ये जानने की कोशिश करनी है कि इसका जो नाम है, ठीक है, जैसे वेविंग, हिटिंग, ठीक है, इसको हम काफ़ी लोग पॉपिंग बोलते हैं, मतलब पॉप करना बोलते हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि ये इसका नाम क्यों है। ठीक है, जैसे टॉयमैन स्टेप्स आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी उठा सकते हो आप स्टेप्स, ठीक है, बट आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा जब तक आपको पता ना चले कि ये है क्या, इसे निकाला क्यों मतलब किया था। तो आप ना सबसे पहले ये करो कि आप ये जानने की कोशिश करो किसी भी कॉन्सर्ट में कि इसका नाम क्यों है। तो टॉयमैन, ठीक है, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ टॉयमैन पे, तो टॉयमैन इसका नाम क्यों है। जैसे पुराने टाइम में ना जो टॉयज होती थी, मतलब खिलौना, ठीक है, पुराने टाइम में जो टॉयज होती थी वो आती थी मतलब लकड़ियों की, ठीक है, और उनके सिर्फ इतने ही पार्ट्स करते थे मूव, ठीक है, जो हम करने की कोशिश करते हैं, तो उनके इतने ही पार्ट्स करते थे। तो किसी ने ये आइडिया लगाया होगा कि ये भी हम म्यूजिक से ले सकते हैं। तो जैसे आप तो वेविंग कर रहे हो, ठीक है, वेविंग कर रहे हो और ये आ गया, ठीक है, वेविंग कर रहे हो और ये आ गया, तो यही चीज़ हिटिंग में भी आएगी कि हिट हिट हिट, है ना, हिट 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 हिट। तो यही है टॉयमैन। ज़्यादा दिक्कत नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट को ना समझने के लिए, आप ये बस मेहनत कर लो इस चीज़ की थोड़ी सी कि इसका नाम ये क्यों है ना, नाम के ही पीछे सब है। टॉयमैन खिलौना, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि सिर्फ ये इतने ही पार्ट्स, लकड़ी के होते थे ना पहले टॉयज, तो उनके इतने ही पार्ट्स मूव करते थे, तो टॉयमैन, ठीक है। अब टॉयमैन के ऊपर तो मैंने जितना मुझे पता था उतना तो मैंने जो कि बता दिया। अब अगला किसी को भी अगर चाहिए किसी भी स्टाइल को समझने में दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट करें। इस पूरे लॉकडाउन मैं यही काम करूंगा कि आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको मैं दूर करूँ। चलिए ठीक है, घर पे रहिए और मास्क तो घर से जब बाहर जाओगे तब, मेरी राय ये है कि मास्क लगाने की ज़रूरत ना ही पड़े, आप घर पे ही रहिए। चलो।